हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर चैनल कंप्यूटर लर्न आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर लर्न पे आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को पता है सीबीएसई बोर्ड ने टर्म वन अनाउंस कर दिया है एंड सीबीएसई बोर्ड टर्म वन के अकॉर्डिंग क्लास टेंथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एच फॉर्म्स और मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस एस फॉर्म्स को लेकर के कि आखिरकार एस टी फॉर्म्स होते क्या उसके साथ वर्क कैसे करना है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ अभी आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलते रहे प्लस आपने देखा होगा हम लोगों ने अपने चैनल पर अभी एक एम सीरीज भी स्टार्ट करी है इस एम सीरीज़ में आपको अपने कंप्यूटर सिलेबस के साथ ही साथ कुछ और सब्जेक्ट्स के सिलेबस के काफ़ी सारे एम सी देखने को मिलेंगे तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए हम लोगों को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट टाइमली लाते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के लिए दैट इज एच टी एम एल फॉम्स एंड फील्ड सेट्स आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग इंटरनेट पर वर्क करते हैं स्पेशली जब लोग फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं जब भी हम लोग वहाँ पर कोई भी डेटा एंटर कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिलता है इस इंटरफेस में कुछ इस तरीके से टर्म्स होते हैं एंड कुछ इस तरीके के फील्ड्स होते हैं ये जो फील्ड्स आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस ये जो आपको फील्ड दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेक्सट बॉक्सेज और इस पूरे लेआउट को हम लोग बोलते हैं फॉर्म इस पूरे लेआउट को हम लोग बोलते हैं फॉर्म इस लेआउट के चारों तरफ आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं और ये जो एक ऊपर अलग ही टाइप का हेडर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड सेट इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड सेट तो आज की वीडियो में हम लोग एक वीडियो डिस्कस करेंगे वीडियो का मतलब है कि इसमें आप लोगों को कुछ भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी वीडियो है एक्सट्रीमल फॉर्म्स एंड फील्ड सेट्स के बारे में जहां पर हम लोग एक्सटीमल फॉर्म्स एंड फील्ड सेट्स के सारे टाग को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे फील्ड सेट टैग के बारे में फील्ड सेट टैग क्या होती है जब भी एच टी एम एल में हम लोगों को अपने एलिमेंट्स को ग्रुप करना होता है और ग्रुप करने के बाद हमको उनको एक बॉर्डर के अंदर कैरी करना होता है कुछ इस तरीके के बॉर्डर के अंदर कैरी करना होता है तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपने फील्ड सेट टैग का ठीक है इस फील्ड सेट टैग के साथ ही साथ यहाँ पर एक टॉप में एक हेडिंग लिख करके आती है इस हेडिंग के लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजेंड टैग ये लेजेंड टैग क्या करती है? है ये आपकी एक हेडिंग कैरी करती है ये हेडिंग क्या करेगी बेसिकली आपके इस फील्ड सेट के टॉप पे यहाँ पे बॉर्डर्स के बीच में अपीयर होगी ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है इसका तो ये आपके सामने एक छोटा सा लेआउट है इस एच फॉर्म का और फील्ड सेट का आपको जरा कोड को एनालाइज करना है एक बारी, अगर मैं इस कोड में बात करता हूँ फील्ड सेट टैग के बारे में तो ये फील्ड सेट टैग क्या कर रही है इन तीनों एलिमेंट्स को रैप कर रही है और उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं बॉर्डर जनरेट कर रही है और मैंने लेजेंड्स के साथ यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ था जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई थी वो आपको कुछ इस तरफ देखने को मिल जाएंगी ये आपके एच के फील्ड सेट्स के बॉर्डर्स पे सबसे टॉप वाले बॉर्डर पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होगा बाय डिफॉल्ट अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में एच फॉर्म्स अब जब भी हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की और वेबसाइट्स की तो इंटरनेट एंड वेबसाइट्स में बहुत सी बार बहुत सारी वेबसाइट्स में हम लोगों को इनपुट्स देने पड़ते हैं और वेबसाइट्स को यूज़र्स से डेटा कलेक्ट करना होता है जब भी हम लोग बात करेंगे यूज़र से डेटा कलेक्ट करने की वहाँ पर हम लोगों को इनपुट ब्लॉक्स चाहिए होंगे या फिर इनपुट फील्ड्स चाहिए होंगे एंड इन्हीं इनपुट ब्लॉक्स या इनपुट फील्ड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेमल फॉर्म्स का एक्सटेमल फॉर्म्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं हम लोग इससे यूज़र से इंटरेक्ट करके उनके इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड बाद में यही फॉर्म्स हमारे बैकएंड की स्क्रिप्ट के साथ एंड हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं एंड हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में एक मिल करके के एक प्रॉपर फाइनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या फिर हमारे इस डेटा को डेटा में स्टोर करते हैं जैसे कि मैं एक सिंपल से सीनारी लेता हूँ सपोज करिए आप अमेजोन पर गए और आप वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे जब आप वहाँ पे शॉपिंग के लिए अपने क्रेडिट कार्ड वाली डिटेल्स को आप एक फॉर्म में टाइप करते हैं तो वो जो आपको वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस देखने को मिलते हैं और वहाँ पे आपको जो चेकआउट बटन देखने को मिलता है इसको क्रिएट करेंगे हम लोग एच टी फॉर्म्स के थ्रू सिमिलरली जब आप फेसबुक पर जाकर रजिस्टर करते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलती हैं वो आपका नेम पूछता है डेट ऑफ बर्थ पूछता है ई मेल पूछता है एंड पासवर्ड आपसे कन्फर्म करने को कहता है ये सारी फील्ड्स भी हम लोग क्रिएट करते हैं एच फॉर्म्स के थ्रू साथ ही साथ हम लोग एच फॉर्म में चेक बॉक्सेस ड्रॉप डाउन मेन्यूज कॉम्बो बॉक्सेस एंड रेडियो बटन भी क्रिएट कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं एच फॉर्म के सिंटेक्स के बारे में एच फॉर्म के सिंटेक्स को एच फॉर्म्स को इनिशिएट करने के लिए हम लोग एच में एक फॉर्म टैग का यूज करते हैं इस फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोगों को इस करेंट सचारियों में डिस्कस कर रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं एक्शन एंड मेथड आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग किसी भी फॉर्म को यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म को कॉल करते हैं या किसी भी फॉर्म में सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं वो फॉर्म रिस्पॉन्स करता है और वहाँ पर कोई दूसरा पेज ओपन होकर आता है या फिर बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट रन करती है वो स्क्रिप्ट क्या करती है या तो आपको डेटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर कर रही होती है या फिर आपके फॉर्म के डेटा के साथ कोई एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है ताकि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आउटपुट देखने को मिल सके वेल well, इस स्क्रिप्ट को अटैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस एक्शन एक्शन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का ये बेसिकली उस उस स्क्रिप्ट की की या फिर लॉजिक को कैरी करती है जो आपके पेज पे अल्टीमेटली वर्क करने वाला है और जो आपके डेटा को आगे फर्दर स्टेप्स पे लेके जाएगा अब बात करते हैं सेकेंड एट्रीब्यूट की मेथड एट्रीब्यूट ये जो हमारा मेथड एट्रीब्यूट है ये एच का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग वेबसाइट्स में डेटा को फिल करते हैं तो आपने देखा होगा वो डेटा हमारी यू आर एल में या फिर एड्रेस बार में डॉट कॉम या समथिंग समथिंग के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद अपियर हो जाता है राइट right? अगर आपको डेटा आपके यू आर एल पर विजिबल है आपने जो भी अपने फॉर्म में डेटा एंटर कराया और वो आपको यू आर एल पर विजिबल है इट मीन्स हम लोग वहाँ पर गेट मेथड का यूज़ कर रहे थे गेट मेथड क्या करता है गेट मेथड आपके डेटा को आपके फॉर्म फीट्स को यू आर एल के साथ कैरी करता है एंड यू आर एल के साथ ही लेके जाता है सर्वर तक का विकास अगर मैं बात करूँगा हमारे सेकेंड मेथड की जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेथड पोस्ट मेथड क्या करता है आपके डेटा को एक सेपरेट फाइल में कुकी के फॉर्म में स्टोर करता है एंड देन बाद में इस कुकी को शेयर करता है सेपरेटली आपके वेब सर्वर्स के साथ में इससे क्या हो रहा है आपके डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है एज वेल एज सर्वर में जो डेटा जा रहा है वो विदाउट यू जा रहा है तो उसको ट्रैक कर पाना hackers के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बन जाता है तो यहाँ पर हम लोग इन दो मेथड्स का यूज करते हैं मेथड एट्रीब्यूट के लिए सिर्फ यही दो पॉसिबल वैल्यूज हम लोगों को यूज करनी है जो कि है गेट एंड पोस्ट जनरली इंटरव्यूज में एग्जाम्स में या फिर काफ़ी सारे केसेस में एग्जाम्स में ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एच के फॉर्म मेथड से तो आपको इस टर्म को बहुत ही अच्छे से समझना है एंड प्रिपेयर करना है अब चलिए बात करते हैं इस एच फॉर्म के और एलिमेंट्स के बारे में जनरली एच के फॉर्म में हम लोग अपने फॉर्म को ओपन करते हैं और यहाँ मेथड एट्रीब्यूट हम लोगों के लिए मैंशन करना कंपलसरी हो जाता है प्लस इसके बीच में हमारे सारे अदर डिटेल्स यानी कि हमारे सारे के सारे फील्ड्स एलिमेंट्स लेबल्स सब यहाँ पे आएंगे आपको अपने फॉर्म को क्लोज कर देना है अगर आप इस फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म टैग में रैप नहीं, नहीं करेंगे अब चलिए बात करते हैं हम लोग और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको जस्ट भी दो एट्रीब्यूट्स बताए थे एक्शन एंड मेथड अगला हमारे पास एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास, आपने अपने एक प्रोग्राम में एक सेल्फ लोडिंग स्क्रिप्ट लगाई हुई है जहाँ पे क्या हो रहा है आप यूजर को एक्शन के थ्रू किसी और पेज पे नहीं लेके जा रहे हो आप उसी पेज पे वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो इस केस में अगर आप चाहते हो कि बटन क्लिक पे यूजर किसी और पेज पे पेरेक्ट हो जाए या फिर कोई दूसरा रिस्पॉन्स पेज वहां पे ओपन हो जाए तो आप उस अदर रिस्पॉन्स विंडो के लिए इस टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इस टारगेट एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से वैल्यूज पास कर सकते हैं लाइक ब्लैंक सेल्फ या पेरेंट या फिर आप किसी और फाइल की लोकेशन यहाँ पे पास कर सकते हैं तो जैसे ही यूजर सबमिट पटन पेट आप करेगा ये उस के यूजर को या तो एक ब्लैंक पेज शो कर देगा या फिर उसी पेज को रिलोड कर देगा या फिर उसको इसके प्रीवियस पेज पर पे लेके चला जाएगा हमारा अगला एट्रीब्यूट है एंक टाइप। इस एंक टाइप टाइप इस का मतलब होता है एनकोडिंग स्कीम आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारी एनकोडिंग स्कीम्स हैं लाइक एसकाई है यूनिकोड है यूटीएफ है राइट तो इस तरीके से बहुत सारी एनकोडिंग स्कीम्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में तो जब भी हम लोग बात करेंगे अपने HTML फॉर्म्स का तो ये एसटीएमल फॉर्म्स क्या करते हैं इन्हीं इनकोडिंग स्कीम्स में से मोस्टली यूनिकोड या फिर यूडीएफ का यूज़ करते हैं आपको डेटा को कैरी करने के लिए तो अब हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने HTML फॉर्म्स में इस एंक टाइप को डिसाइड करना या डिफाइन करना कि आखिरकार यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं मेथड अपने डेटा को शेयर करने के लिए तो वो किस फॉर्म में है अब बात करते हैं हम लोग अपने एच के फॉर्म फील्ड्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से सब टाग या सब वैल्यूज यूज होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज बताने जा रहा हूँ एच फॉर्म्स के अंदर हम लोग मेनली यूज करते हैं एक सब टैग का दैट इज इनपुट टैग इस इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट ठीक है अब आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है चेक बॉक्सेस लिखाई दिखाई दे रहा है रेडियो बटन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये हिडन लिखा हुआ है क्लिकेबल बटन वी हैव सबमिट एंड ये जितनी भी वैल्यूज को मैंने अंडरलाइन करा है ये सारी की सारे टर्म्स जो है ये वैल्यूज है टाइप एट्रीब्यूट को सॉरी टाइप एट्रीब्यूट के इट मीनस अगर आपको कोई भी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है आपको कोई चेक बॉक्स या रेडियो बटन क्रिएट करना है आपको कोई हिडन एलिमेंट क्रिएट करना है आपको कोई क्लिबल क्लिकेबल बटन या फिर सबमिट या रीसेट बटन क्लिक करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप इनपुट टाक के टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और आप टाइप एट्रीब्यूट में मैंने जिन टर्म्स को अंडरलाइन करा हुआ है आप इन टर्म्स को मैंशन करेंगे वैर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट की या फिर फाइल सेलेक्ट की तो इसके लिए हमारे पास कुछ सेपरेट टैग्स होती हैं हम लोग उन टैग्स का यूज़ करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक और एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा दैट इज कॉल्ड एस टेक्स्ट एरिया अगर आपको एक बड़ा इनपुट फील्ड क्रिएट करना है जहाँ पे यूजर मल्टीपल वैल्यूज टाइप कर सके मल्टीपल लाइंस में तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया को तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपने इन सारे हम लोग एलिमेंट्स को सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या होता है आपने नॉर्मली फॉर्म्स में देखा होगा जब भी हम लोग यूजर से उसका नेम वगैरह एंटर करने को बोलते हैं तो नेम के आगे कुछ इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स अपेयर होता है या फिर बहुत सारी वेबसाइट में जब भी हम लोग यूजर से एक पासवर्ड एंटर करने को बोलते हैं पासवर्ड वाले केस में भी कुछ इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स अपेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यहां पर हमारे पास दो टाइप के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स होते हैं एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल

बेसिकली जब भी हम लोग अपने फॉर्म्स को कॉल करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक हर एक एलिमेंट की एक स्पेस एक स्पेसिफिक आईडी डिजाइन करनी पड़ती है तो ये जो हम लोगों ने नेम आर्टिट्यूड यूज करा हुआ है एक ऑप्शनल आर्टिट्यूड है जो आपके इस पर्टिकुलर फील्ड को एक आईडी डी के तरीके वर्क करेगा सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक पासवर्ड इनपुट कंट्रोल के बारे में तो अगर आपको किसी भी फील्ड में यूजर से पासवर्ड एंटर करवाने हैं अब चलिए बात करते हैं इस पासवर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जब भी आपने देखा होगा आप किसी भी बॉक्स में पासवर्ड बॉक्स में कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पर वैल्यूज या तो एस्ट्रिक के फॉर्म में या फिर बुलेट्स के फॉर्म में अपील होते हैं राइट तो अगर आप अपने इनपुट टाइप को पासवर्ड सेट कर देंगे तो ये वैल्यूज अपने आप एस्ट्रिक्स या फिर बुलेट से रिप्लेस हो जाएंगे आप जितने भी कैरेक्टर्स इस बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एस्ट्रिक्स या फिर बुलेट्स के तरीके यहां पे अपीयर होंगे उसके बाद हमारे पास एक अगला टैग आ जाता है टेक्स इनपुट कंट्रोल के लिए एक अलग से टैग है ये इनपुट के साथ यूज़ नहीं होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया अगर आपको मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एंटर करना है सपोज करिए आप यूज़र से उसके पर्सनल कॉमेंट्स या सजेशन एंटर करवा रहे थे तो एक पॉसिबिलिटी है कि यूज़र यहाँ पे मल्टीपल्स लाइन टाइप कर सकता है यूज़र यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर सकता है या फिर लेटर्स एज्यूम की आपने एक बॉक्स बनाया जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एसेज या फिर लेटर्स को टाइप कर रहे हैं उस केस में जो आप एक बड़ा सा बॉक्स यूज़ करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया जनरली मल्टीपल लाइन वैल्यूज के लिए यूज होता है जब भी हम लोगों को मल्टी लाइन वैल्यूज एंटर करवानी होती है यूजर से हम लोग मल्टी लाइन वैल्यूज के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट एरियाज को जहां पे हम लोगों को बड़े टाइप करने हैं ठीक है ठीके? यहां पे हम लोग दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं रोज एंड कॉलम्स ये रोज एंड कॉलम्स आपके इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करेंगे अगर आपने यहां पे रो 5 लिखा हुआ है इट मींस ये 5 रोज के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगा

एंड इनपुट टैग में हम लोग यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का एंड टाइप एट्रीब्यूट की हम लोग वैल्यू लिखेंगे टेक्स्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट यूजर से करवाना चाहते हैं ठीक है उसके बाद ये जो नेम आट्रीब्यूट है टोटली totally ऑप्शनल है इस केस में तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको यूज करना आप है तो आपको चाहें तो यूज कर सकते हैं text, ये जो इनपुट है हम लोगों का ये एक एम्पटी टैग है तो यहाँ पे उसको क्लोज करना कंपल्सरी नहीं है अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसके ओपनिंग टाग में इस तरीके से स्लैश का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बाद पासवर्ड के लिए अगेन आपको एक इनपुट टैग ओपन करनी है बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे हम लोग टाइप में टेक्स की जगह यूज करेंगे पासवर्ड अगर आप टाइप में टेक्स की जगह पे पासवर्ड लिख देते हैं तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट यूजर की सारी वैल्यूज को एनकोड कर देगा एस्ट्रिक्स या फिर उन बुलेट पॉइंट से ठीक है अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है भाई बाय डिफॉल्ट एच टी एम एल के जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं ये लाइन चेंज नहीं करते हैं तो अगर आप मल्टीपल इनपुट्स को इस तरीके से लिखेंगे ना एक के बाद एक तो भाई ये कुछ इस तरीके से बॉक्सेस क्रिएट कर देंगे एक के बाद एक अगर आपको इनके बीच में लाइन गैप चाहिए तो आपको बी आर टैक का यूज करना मस्ट है ओके प्लस आप देख सकते हैं मैंने यहां पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं इसके पहले तो ये टर्म्स आपके फॉर्म में यहाँ पे पहले इसके अपियर होंगे तो आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को इसके पहले मेंशन कर सकते हैं और वो टेक्स्ट आपके इनपुट फील्ड्स के पहले अपीयर हो जाएगा अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में तो देखिए मैंने आपको जस्ट भी बताया था कि हमारे टेक्स्ट एरियाज में कभी कभी साइड में कुछ इस तरीके से दो या तीन लाइन अपेयर होती हैं आप इस लाइन को देख सकते हैं यहाँ पे तो टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करना काफी ज्यादा ईजी आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टाक को यूज करना है आप यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आटर के थ्रू उसकी हाइट एंड मिट्ट को नॉर्मली एडजस्ट यहाँ पे कर देंगे एंड ये जो टेक्स्ट एरिया है भाई ये टेक्स्ट एरिया एक कंटेनर टैग है तो अगर आप इस टैग के बीच में कुछ भी मैंशन करेंगे टेक्स्ट यहाँ पे तो वो टेक्स्ट आपके इस टेक्स्ट एरिया के अंदर एज अ प्लेस होल्डर होगा प्लेस होल्डर का मतलब क्या है जैसे यूजर इस इस टेक्स्ट टेक्स्ट के के अंदर के अंदर बॉक्स टैप करेगा तो ये जो टेक्स्ट है वहां से रिप्लेस हो जाएगा यूजर के एंटर टेक्स्ट के साथ अब बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की ये जितने भी हमारे सिंगल लाइन एंड पासवर्ड हैं इनमें हम लोग एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज करेंगे भाई तो यहाँ पे हम लोग के जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो थे हम लोगों का टाइप एंड नेम मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि टाइप के थ्रू हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि हम लोग को टेक्स चाहिए या फिर पासवर्ड चाहिए देन हमारे पास नेम है ये नेम क्या है ये एक यूनिक नेम है जो हम लोग अपने फील्ड्स को देते हैं जब भी हम लोग अपने फॉर्म्स को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ में अटैच करेंगे तो इसी नेम का यूज़ करेंगे हम हम लोगों की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्टिवेट या फिर उनको आ, उनसे डेटा फेच करने के लिए अदर हमारे पास एक वैल्यू आता है यहाँ पे एक हम लोगों के पास वैल्यू एट्रीब्यूट है लेटर सपोज आप अपने किसी टेक्स्ट बॉक्स में एक डिफॉल्ट वैल्यू चाहते हैं लिखना तो आप वहां पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास साइज एट्रीब्यूट है अगर आपको अपने टेक्स्ट बॉक्स की विथ को एडजस्ट करना है आप चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हंड्रेड पिक्सल्स इतना बड़ा है टू हंड्रेड पिक्सल्स बड़ा है तो आप यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट ठीक है ये मैक्स लेंथ वाइज देखिए क्या होता है जनरली इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आप जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं But let us assume, आप किसी किसी से उसका करवा रहे थे। अब हम हम सब लोगों को लोग के की बात करते हैं, तो ये जो नेम है ये भाई फिफ्टी कैरेक्टर्स उससे बड़ा नेम तो किसी का होगा नहीं तो हम लोग यहां पे अपने यूजर को लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बाई यूजिंग दिस मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने इनपुट्स

अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कंट्रोल्स हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं इनको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ठीक है अगले जो हमारे कंट्रोल्स हैं ये है रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं बिकॉज बहुत सी बार बच्चे यहीं पे गलतियां कर देते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड्स में हम लोगों को कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जहां पे कुछ इस तरीके के सर्कल शेप बटन होते हैं हम लोग इस पर टैप करते हैं राइट अपनी वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए एंड कुछ जगहों पर हम लोगों को कुछ इस तरीके से स्क्वायर शेप बटन मिलते हैं जब आप इसमें टैप करते हो तो इसमें टेक्स अपेयर होते हैं इसके अंदर राइट एंड जब अपन रेडियो बटन पर क्लिक करते हो तो ये अंदर से फिल्ड हो जाते हैं राइट तो ये जो रेडियो बटन है क्या कर रहे हैं ये रेडियो बटन अगर आपने अपने एक फॉर्म में मल्टीपल रेडियो बटन यूज करे हुए हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही रेडियो बटन एक्टिवेट हो पाएगा आप मल्टीपल रेडियो बटन्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं महराज अगर मैं बात करता हूँ चेक बॉक्सेस की तो चेक बॉक्सेस के केस में ऐसा नहीं होता है चेक बॉक्सेस के केस में आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस से यूजर के इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं अब इसका सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सपोज करिए आपने एक फॉर्म बनाया जहां पे आप यूजर से उसका जेंडर एंटर करवा रहे थे तो अगर आप यूजर का जेंडर एंटर करवा रहे हैं तो वहां पे एक ही वैल्यू पॉसिबली होगी हम लोगों के पास या तो भाई जेंडर मेल होगा या फिर हमारे पास जेंडर कैसा होगा फीमेल होगा तो इस में जो आप इनपुट कंट्रोल यूज करेंगे वो होगा हमारे लिए रेडियो बटन आप वहाँ पे चेक बॉक्सेस का तो यूज नहीं करेंगे है ना तो आप यहां पे यूज करेंगे चेक बॉक्सेस का चेक सॉरी आप यहां पे यूज करेंगे रेडियो बटन का बिकॉज रेडियो बटन के केस में सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड एक बार में एक्टिवेट होगी अदर वाली क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाएगी यानी अगर आप अदर वाले को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा ये प्रीवियस वाले को डिसलेक्ट कर देगा देन हम लोग अदर वाले फील्ड को सिलेक्ट करें बट अगर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फॉर्म की जो आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स या फिर आपकी हॉबीज को एंटर करवाने को बोल रहा है, या या आप बोल रहा है कि को पिक करो, चेक बॉक्सेस को यूज करना काफी ज्यादा ईजी है आपको यहाँ पे इनपुट टाग का यूज करना है इनपुट टाक के बाद आप यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का एंड टाइप एट्रीब्यूट में आपको नॉर्मली वैल्यू पास कर देनी है बॉक्स एंड इस वैल्यू को लिखने के बाद आपको यहाँ पर आगे लिखना है वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके जस्ट पहले आपको चेकबॉक्स चाहिए ठीक है तो ये जो मैथ्स है इस मैथ्स के लिए ये वाला चेकबॉक्स वर्क करेगा अगर मैं इसके आगे एक और ऐसे ही इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स एंड मैं यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू लिखता हूँ लेट सपोज मैंने यहाँ पे एस लिख दिया तो एस के पहले ये वाला चेकबॉक्स वर्क करेगा ठीक है प्लस आप यहाँ पे नेम भी असाइन कर सकते हैं

बॉक्सेस या फिर ऑप्शन या फिर लिस्ट या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट अब देखिए लिस्ट लिस्ट या इंपॉर्टेंस लिस क्या, क्या है जरा इसको समझते हैं। well, अगर आप अपने एच में यूजर को मल्टीपल ऑप्शन देना चाहते हैं लेट सपोज आप यूजर से उसका सिटी एंटर करवा रहे थे एंड आपने उसके लिए लिस्ट बना के रखी है जहां पे बहुत सारे ऑप्शन है लाइक कानपुर लखनऊ आगरा प्रयागराज मेरठ आपने इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शन पहले से इंसर्ट करके रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि यूजर इन्हीं में से किसी ऑप्शन को पिक करे तो भाई यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का या फिर एक सिलेक्ट बॉक्स का आने सेलेक्ट बॉक्स को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट टैग का ये सिलेक्ट टैग क्या करती है आपके एच में बाई डिफॉल्ट इस तरीके के लिस्ट बॉक्सेस को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है अब चलिए मैं आपको यहां पे छोटा सा लिस्ट एक छोटा सा इसका कोड लिख के दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये हम लोगों के सिलेक्ट बॉक्सेस वर्क कैसे करते हैं देखिए आप इसको यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूंगा सिलेक्ट एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑप्शन एंड इस ऑप्शन के बाद मैं यहां पे जो भी वैल्यूज दे दूंगा ठीक है मैं सिमिलरली यहां पे सेकंड ऑप्शन लिख सकता हूं वैल्यू टू सिमिलरली वैल्यू थ्री एंड सोन एंड एट लास्ट आपको यहां पर सिलेक्ट आपको क्लोज कर देना है तो जो आप इस तरीके से लिखेंगे तो यह क्या करेगा ये आपके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर देगा तीन वैल्यू के साथ में दैट विल बी वैल्यू वन वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री ओके एंड एक्चुअल में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी एक्टिवेटेड नहीं होगी इस तरीके से ये आपको कुछ इस तरीके से अपेयर होगी यहाँ पे साइड में आरो बना होगा

कि ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है या जो आपको ये सिलेक्ट बॉक्स है लिस्ट है ड्रॉपडाउन लिस्ट है इसको कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो फेच करे और यहाँ से डेटा कंट्रोल्स को वो फेच करे तो यहाँ पे आप इसका एक नेम असाइन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वैल्यू आती है साइज़ की ये क्या करेगा आपके इस बॉक्स की वेथ को इंक्रीज करने का काम करेगा फिर हमारे पास अगला वैल्यू आता है मल्टीपल अगर आप चाहते हैं कि यूज़र आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में आपके इस ड्रॉपडाउन लिस्ट में सॉरी मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सके तो आप यहाँ पर इस मल्टीपल एट्रीब्यूट को भी असाइन कर सकते हैं अब चलते ये बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एलिमेंट uh, की तरफ दैट इज बटन्स हमारा अगला एलिमेंट है बटन कंट्रोल्स अब ये बटन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ये बटन्स हमारे ओवरऑल एक्सट्रीमल फॉर्म को ट्रिगर करने का काम करते हैं ये बटन्स ही क्या करेंगे आपके इस फॉर्म के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपके जो कंटेंट है उसको अपनी सर्वर साइड स्ट्रिप्टिंग्स तक का लेकर के जाएंगे और इन बटन्स को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बटन्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे आप यूज़ करते हैं इनपुट टैग का इस इनपुट टैग में आपको टाइप में जाके वैल्यू लिखनी है हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं पहली वैल्यू है बटन दूसरी वैल्यू है सबमिट एंड तीसरी वैल्यू है रीसेट इन तीनों ही वैल्यूज का अपना एक सिग्निफिकेंस है अब चलिए देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, है प्लस यहाँ पे हम लोग एक और लाइक एट्रीब्यूट यूज करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू का मतलब हो गया वो टेक्स्ट जो आपके बटन के साथ में अपियर होगा ठीक है अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है है ये ये जो आपका बटन बटन एट्रीब्यूट एक डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा जिसके इवेंट्स को या जिसकी फंक्शनैलिटी को आप अपने अकॉर्डिंग या जावा स्क्रिप्ट लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं एल्स इफ मैं बात करता हूं सबमिट के बारे में तो सबमिट क्या करता है भाई अगर आपने यहाँ पे इसका इनपुट का टाइप दे रखा है सबमिट तो ये सबमिट क्या करेगा आपके इस फॉर्म टाइप के एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड एट्रीब्यूट को जाकर ट्रिगर कर देगा

करेगी तो ये हम लोगों के कुछ बेसिक चीजें थी ठीक है ये इस टाइप की वैल्यूज है जो मैंने आप लोगों को जैसे भी, भी एक्सप्लेन करी है फाइन सो दैट इज ऑल फॉर एच टी एमल आज हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एच टी एलिमेंट्स को डिस्कस करा हम लोगों ने सारे टाइप्स को डिस्कस करा उनकी वैल्यूज को डिस्कस करा ये एक कंसेप्ट वीडियो था इट मीनस मैं इसका एक सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा जहां पे हम लोग इस एच फॉर्म को प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखेंगे एंड अगर आपको उसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जस्ट अभी कमेंट्स करिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए जितना ज्यादा ज्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए एंड मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो बेलाइकन को प्रेस करो ताकि तुम लोगों को लेटेस्ट अपडेट सारे के सारे वीडियोज़ के मिलते रहे प्लस आप हमारे इन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी है जिसको आप चाहते हैं हम आंसर करें या उस पर हम लोग अपना कोई नया वीडियो बनाएं तो आप अपनी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ हमारी वेबसाइट पर जाकर शेयर कर सकते हैं हमारे पास या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली हम लोगों को मेल कर सकते हैं हमारे इन मेल एड्रेस पर तो थैंक यू गाइज अनह ग्रेट डे